बिहार में कोरोना संक्रमण अब विकराल रूप ले चुका है। राजधानी पटना में रविवार को 57 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो पटना में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 163 हो गई है। राज्य में कोरोना मरीजों के मामले में पटना ने मुंगेर को भी पीछे छोड़ दिया है। पटना में बिहार सैन्य पुलिस यानी BMP में राजधानी पटना में सबसे बड़ी कोरोना चेन बन गई है। वहाँ 45 कोरोना पॉजिटिव केस अब तक मिल चुके हैं। इस बीच रविवार को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक लॉकडाउन 4 के दौरान हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सख्ती दिखेगी। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले ही लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का आग्रह केंद्र सरकार से किया था। देश भर के राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर के अपनी राय पहले ही रख चुके हैं। मालूम हो कि देश में कोरोना संकट को देखते हुए लॉकडाउन लगा संक्रमण को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस बीच संक्रमण की रफ्तार भी काफी तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं देश में संक्रमण का आंकड़ा चीन से भी ज्यादा हो चुका है। बिहार में तो रविवार को 73 कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं। राज्य में कुल मामले बढ़ करके 1251 तक हो चुके हैं। लेकिन इस बीच राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वालों का भी आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिए लॉकडाउन में विस्तार चाह रहे थे, जो कि अब 31 मई तक हो चुका है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री बिहार में प्रवासियों की बड़ी संख्या में बिहार पहुंचता देख स्कूल, कॉलेज, अन्य शिक्षण संस्थान, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, जिम, रेस्टोरेंट, अंतर्राज्यीय ट्रेन और बस सेवाएं, वायु सेवाएं जैसी चीजों को खोलने के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री राज्य के ग्रीन और ऑरेंज जोन में उचित छूट देने के पक्ष में बातें कही है, और जहां तक रेड जोन की बात है तो कंटेनमेंट जोन को रेड जोन के रूप में घोषित करके वहां लॉकडाउन को सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है। आपको बता दें कि बिहार में अब तक कोरोना वायरस के 1251 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा भी अब 8 तक पहुंच चुका है। हाल के दिनों में बिहार में कोरोना का संक्रमण विस्फोटक रूप धारण कर चुका है। इधर आंकड़ों की बात करें तो अधिकांश कोरोना पॉजिटिव के मामले प्रवासियों से मिले हैं। कोरोना को लेकर के स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों की माने तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 4987 मामले सामने आए हैं और इसमें से 120 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि देश में संक्रमितों का आंकड़ा 90,000 को पार कर चुका है। देश में कुल 90,927 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं 2,872 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इनमें 53,946 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं 34,109 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और देश में कोरोना से 2872 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कोरोना से जुड़े और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल द जेड प्लस को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें।